हेलो गाइस, दिस इज अनुराग झा एंड यू आर वाचिंग नॉलेज प्रोवाइडर। दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर परिचय से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं उसके बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, मार्शल का सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान और कला दोनों है, यह कथन किसका है? तो यह कथन मार्शल का है। दोस्तों, पीडीएफ फाइल जो है आप लोगों को शाम तक जो है अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसको जो है एक बार वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, उसके बाद जब पीडीएफ पढ़ोगे तो निश्चित तौर से याद हो ही जाएगा। ठीक है, पीडीएफ में मैं आंसर्स नहीं दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर दे देता हूँ और उसके बाद जो है आप लोग पीडीएफ को प्रैक्टिस सेट की तरह बनाइएगा ताकि पता चले कि आपको कितने क्वेश्चंस याद हुए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉबिन्स का कहना है कि अधिक समस्या तब उत्पन्न होती है जब, तो कब उत्पन्न होती है रॉबिन्स के अनुसार अधिक समस्या? जब साधन सीमित और साध्य असीमित हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? वास्तविक वो आदर्श विज्ञान दोनों है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों, ऑडियो लेक्चर जो है ना आपका, ठीक है, ऑडियो लेक्चर निश्चित रूप से आप लोग देख सुन लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अर्थशास्त्र मानवीय क्रियाओं के चुनाव के संबंधित पहलू का अध्ययन कराता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपका रॉबिन्स का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपका एल रॉबिन्स का है। ठीक है, किसका है? एल रॉबिन्स का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पी जे के मेहता की अर्थशास्त्र की परिभाषा संबंधित है, तो किससे संबंधित है पी जे के मेहता की अर्थव्यवस्था की परिभाषा? तो यह जो है इच्छा रहित अर्थव्यवस्था से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, यह आपका स्टार्टर क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री की परिभाषा भारतीय संस्कृति के निकट है? तो यह जो है आपका जे के मेहता की परिभाषा जो है भारतीय संस्कृति के बिल्कुल निकट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों के विकल्प का प्रयोग का अर्थ है? तो संसाधनों के विकल्प के प्रयोग का अर्थ है संसाधनों का बहुउपयोगी होना। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और, व्हाट्सएप ग्रुप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन निश्चित रूप से कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे, तो वो आप लोग जब भी सोने जाओ या कहीं कुछ खेलने जाओ तो कान में हेडफोन लगा के आराम से सुन सकते हो। ठीक है, ताकि याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय विचारक कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है? तो भारतीय विचारक कौटिल्य की पुस्तक का जो नाम है वो आर्थिक विचारधारा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या उत्पादन करना है कि समस्या का संबंध है? तो ठीक है, क्या उत्पादन करना है कि समस्या का संबंध किस चीज से है? तो यह जो है आपका, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ जो है गौ, कौन सी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन करना है से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा गरीबी और बेरोजगारी की समस्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो जहाँ पे भी आप लोगों को वीडियो लगे ना कि ये क्वेश्चन नहीं समझ, उसको बैक करो। ऐसा थोड़ी है कि आप लोग वीडियो बैक नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बैक करके भी देख लिया करो। चलो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसर लागत का अर्थ होता है? तो अवसर लागत का अर्थ क्या होता है? वैकल्पिक प्रयोग की लागत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक देश में संसाधनों की बढ़ जाए, ठीक है, संसाधनों की कार्यकुशलता जो है बढ़ जाए, तो उत्पादन की संभावना वक्र कि क्या स्थिति होती है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा उत्पादन की संभावना या वक्र दाईं और ऊपर को खिसक जाएगा। ठीक है, उत्पादन की संभावना वक्र दाईं और ऊपर की ओर खिसक जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपका जो है स्टार्टर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, संसाधनों के विकास का अर्थ है उत्पादन संभावना का वक्र कच्चा। ठीक है, वक्र का क्या होगा? तो वक्र का यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दाईं ओर सरकना। ठीक है, दाईं ओर सरकना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, आर्थिक समस्या से क्या अभिप्राय है?
ठीक है दोस्तों, हम चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक समस्या का क्या अभी से क्या अभिप्राय है। तो आर्थिक समस्या से जो अभिप्राय है वो है सीमित साधनों के चलते चुनाव की समस्या, ठीक है, सीमित साधनों के चलते चुनाव की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो निम्न में से जो है आपका मनुष्य की दुर्लभ यहाँ दुर्लभता की समस्या का चयन को जन्म देती है, दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। तो आर्थिक समस्या जो है मूलतः आपकी चुनाव की समस्या है, ठीक है, अभी मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अर्थव्यवस्था को किस चीज कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है इनमें से सभी मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी रूप में, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग नीचे जाइए कमेंट में और लिखिए तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, ठीक है, इस तीनों रूप में से किस तरह की जो अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका जो आंसर वो हो जाएगा ग, मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है दोनों क्षेत्रों की जो है अर्थव्यवस्था शामिल होती है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।